नमस्ते दोस्तों, इस समय बहुत से दोस्त मेरे को फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स क्या होते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट क्या आपको कोरोना वायरस फैला सकते हैं, खास करके जब WHO ने ऐसा बोल दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रेयरली फैलाते हैं। पहली बात मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज। अगर कोई वायरस मेरे अंदर आया तो मैं इन्फेक्टेड हो गया, मतलब मुझे इन्फेक्शन हो गया। जब वो वायरस मेरे अंदर सिम्टम प्रोड्यूस करेगा या कोई साइन प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि इसमें गला खराब, खांसी, बुखार, टायर्डनेस, माइल्जिया, डायरिया, वॉमिटिंग, बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कोरोना के, तो वो डिजीज कहलाएगा। तो इन्फेक्शन तब जब ऑर्गेनिज्म आपके अंदर आया, और डिजीज तब जब उस ऑर्गेनिज्म ने आपके अंदर कोई सिम्टम प्रोड्यूस किया। तो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट मतलब है कि वो इन्फेक्टेड तो है पर उनमें अभी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। ऐसे ही पेशेंट 80-85% मिल रहे हैं, 80-85%, मतलब अधिकतर लोग एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट होंगे और वो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना है और वो ठीक हो जाएंगे। रिसर्चेस कहती हैं कि ऐसे पेशेंट भी स्प्रेड करते हैं, खांसी होना ही स्प्रेड नहीं है, जब आप बात करते हैं, गाना गाते हैं या जोर से चिल्लाते हैं तब भी ये वायरस आपके मुंह से स्प्रेड हो सकता है। खास बात यह कि सिम्टम आने से 2-3 दिन पहले इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए 3 मुख्य चीजें हैं, वो फॉलो करिए। सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, मास्किंग, हर्ड मास्किंग का मतलब सबको, पूरी कम्युनिटी जो भी निकले वो मास्क पहन के निकले, हर्ड मास्किंग करें। और तीसरी हैंड हाइजीन, अपनी तरह अच्छी तरह हाथ को साफ करें, कोशिश करें कि साबुन पानी से साफ रख सके, जहां भी साबुन पानी नहीं हो तो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज करें। तो ये है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट। आशा करता हूं कि हम सब इस कोरोना को हरा पाएंगे। कोरोना से डरो ना। इसी के साथ स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग द राइट नॉलेज। नमस्ते।